अ शेल इज अ रूफ स्ट्रक्चर विच हैज अ वेरी थिन सेक्शन रिसेम्बलिंग द शेल ऑफ एग. मतलब जैसे अंडे के शेल की बात करते, जैसे अंडा जितना मोटा उतना ही नेग्लिजिबल उसका शेल होता है. मतलब उसका एरिया अगर या उसका वॉल्यूम की बात करें उस हिसाब में उसका शेल काफ़ी पतला रहता है. उसी की तर्ज पर जब भी हम कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम मतलब ओवरऑल उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, बजाय कि उसका जितना ढांकने का रूफ होता है वो किस सामान पे होता है, जैसे नेग्लिजिबल नकार मतलब जैसे हो ही ना, होना नहीं होना एक बराबर होता है. ठीक है. एक्चुअल इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ शेल रूफ हैविंग थिकनेस स्पान रेशो इक्वल टू द इवन लेस देन दैट ऑफ एन एग शेल. क्या बोल रहे हैं, या तो उसकी थिकनेस या स्पान रेशो या तो बराबर हो सकता है या और उससे भी कम होता है, जैसे कि एग के केस में होता है या एग एग का जो शेल होता है उसके केस में होता है. फॉर इंस्टेंस द डोम एट फ्रैंकफर्ट ऑन माइन. रुक जा, ये चीज़ आ क्या रही है. तो ऐसा था कि शेल रूफ जो होते हैं हमारे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे होते हैं. ठीक है. कैसी रहती है, मेम्ब्रेन रहती है, एक कर्व्ड सरफेस रहती है जो तीनों डायरेक्शन में हो सकती है. मतलब हम अगर देखते हैं अपनी रूफ कैसी रहती है, ऐसी ढकी हुई रहती है. जैसे अगर इसकी बात करूं या इसकी इसकी बात करूं इसके टिप की, तो ये कैसी 2D है. मतलब इसकी लेंथ वाइज रूफ नहीं आ रही है. मगर शेल रूफ कैसे, आपने अभी फोटोज में देखा ऐसे जा रहे हैं, कुछ आगे से ऐसे ऊपर निकले हुए हैं. मतलब अलग अलग टाइप के थ्री डायमेंशनल शेल रूफ हो सकते हैं. ठीक है. तो इसी की बात करिए, शेल रूफ आर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द थीन मेम्ब्रेन स्लैब. कैसे, बिल्कुल एकदम पतली थीन मेम्ब्रेन की स्लैब होती है जिससे ये बने हुए रहते हैं. कर्व्ड इन वन और मोर डायरेक्शंस, एक या उससे अधिक डायरेक्शन में भी हो सकते हैं. विच ट्रांसफर्स द लोड ऑन पॉइंट ऑफ सपोर्ट. वो कैसे लोड ट्रांसफर करते हैं, पॉइंट पर जो जहाँ से ये सपोर्ट होते हैं, दैट इज किन पर, जैसे कॉलम पे अगर सपोर्ट है तो वो कॉलम पे लोड ट्रांसफर करेंगे. या शेल रूफ आर बिल्ट ऑफ सेवरल मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से हम इनको बना सकते हैं, जैसे कि टिम्बर से भी बना सकते हैं, स्टील की शीट से भी बना सकते हैं, सेरामिक से भी बना सकते हैं, ग्लास से भी बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, हार्डबोर्ड से बना जा सकते हैं. बट RCC शेल रूफ आर मोस्ट पॉपुलर इन मॉडर्न एज. आज के टाइम में हमारी RCC रूफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर है मॉडर्न एज में. क्यों पॉपुलर है, कि भैया ग्लास का या सेरामिक का एक बार अगर फिटिंग करने में हमारा डिस्टर्ब हुआ, मतलब टूट जाना है. ठीक है. टिम्बर की बात करें, सेरामिक टिम्बर क्या होता सेरामिक मतलब अपने जो चीनी मिट्टी टाइप के रहते हैं ना, चीनी है? यस मिट्टी, मैम. चीनी मिट्टी अपने कप प्लेट टाइप जो रहते हैं ना, सेरामिक्स आर्टिफिशियल वो केटलिया टाइप रहती है ना, चाय वाय के जो चाय वाय पीने के जो आते हैं ऐसे, वो टीवी वी में देखा कि नहीं, वो बिल्कुल तामझाम रहते हैं सेरामिक के. अपने जो कप रहते हैं वो भी सेरामिक के रहते हैं, मगर वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहते. ठीक है. चीनी मिट्टी वाले जो रहते हैं, हाँ उससे भी बना सकते हैं, मतलब बनी हुई होगी कहीं ना कहीं तो भी, मगर वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. मतलब कहीं कहीं तो भी बनी होगी या बनाने का एक आइडिया होगा. मतलब अलग अलग चीज़ के सब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना इस क्वालिटी हिसाब बुरी से. आती होगी फिर क्या चीज़, उसकी. मतलब जैसे वो प्री कास्ट जैसे रहते हैं. प्री कास्ट मतलब जैसे एक जगह पे बना दिया, ले जा करके उसको फिट कर दिया, ऐसा काम होता है. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे अपन उसको हाथों हाथ वहीं पे बना रहे. जैसे ग्लास की भी बात करें तो ग्लास को भी हम वहीं के वहीं थोड़ी बनाएंगे, बस ग्लास का शेप हम अलग जगह पर दे देंगे और ले जा करके फिट कर देंगे. प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक का सीन क्या होता है, ये अगर हमारा वेदर सेंसिटिव रहता, वेदर ज़्यादा होगा तो ये पिघलन टाइप या कुछ ना कुछ इसकी जो क्वालिटीज़ होगी उसमें तो दिक्कत पड़ेगी. सही. हार्डबोर्ड मतलब वही हमारा जो हार्डबोर्ड आता है गत्ते का टुकड़ा और वो सब, उसका भी बनाना क्या हमारे लिए यूटिलाइजेशन होगा. तो ऐसी छतें या ऐसी मेम्ब्रेन में हम इस प्रकार का क्यों वो लगाएं, कि
के जहाँ हमको अलग अलग टाइप की दिक्कतों का सामना करना पड़े। टिम्बर में मतलब सड़ाव लग जाएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, कभी ना कभी तो किसी ना किसी पानी के कांटेक्ट में आएगा। स्टील की शीट से हम बना सकते हैं, मगर ये अननेसेसरी हमको और ज़्यादा महंगी पड़ेगी, प्लस इसमें हमको जॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सिर्फ बस ये एक आरसीसी का शेल ऐसा होता है जिसको हम कोई भी आकार दे सकते हैं और किसी भी तरह का इजीली बना सकते हैं। क्यों इजीली बना सकते हैं? क्योंकि हमको जैसे सपोज ये ऐसा शेप देना है, कैसा ऐसा शेप देना है जैसा वो दिख रहा था हमको, है ना, और ये ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, तो हम पतले वायर की मेशिंग बनाएंगे। क्या करेंगे? मेशिंग बनाएंगे, मतलब मेशिंग मतलब जंगला तैयार करेंगे आरसीसी का, मतलब सरिये का। ठीक है, सरिया तैयार करा, उसके बाद हमने तरापे इस टाइप से लगा दिए। मतलब तरापे, हम किसी तरापों का एक फायदा ये रहता है कि हम वो किसी भी आकार में लगा करके उसको हमारे आरसीसी को आकार दे सकते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट से इसकी फिलिंग कर देंगे, 28 दिन बाद इसको खोल करके देख सकते हैं। प्लस इसमें दूसरी एक और अच्छी चीज होती है कि इसकी फिनिशिंग हो जाती है, कटिंग कर सकते हैं हम, घिस सकते हैं, घिस करके उसको और अपना अपने मन मुताबिक आकार दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शेल रूफ कहाँ बनते हैं? जहां पर सिर्फ आर्किटेक्चरल वर्क रहता है, मतलब दिखावटी पर्पस से हमको हमारा स्ट्रक्चर सुंदर दिखाना पड़ता है, उसी जगह पर हम शेल रूफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये बहुत स्किल्ड लेबर इसमें काम करते हैं, मतलब जो पूरे तरीके से एकदम तेज तर्राट मजदूर रहते हैं वही इसमें काम करेंगे। ठीक है, डोम की बात कर रहे हैं, डोम बहुत ज़्यादा हमारे रोजमेरा की जिंदगी से कनेक्टेड है। हम बहुत सारे स्ट्रक्चर स्पेशली जब मंदिर के अंदर हम देखते हैं तो वो अंदर का जो आकार दिखता है वो हमको डोम शेप दिखता है। ठीक है, गर्भगृह आपने जब कभी भी सुना होगा तो गर्भगृह, जैसे महाकाल का गर्भगृह देखा होगा तो वो भी डोम शेप है, अंदर से ऊपर से कुछ अलग रहेगा, मतलब गुंबज का मंदिर से, मस्जिद से, या जो भी हमारे रिलीजियस थिंग होती है उससे सीधा सीधा कनेक्शन रहता है। इसका एक एक मतलब जो मेरे माइंड में है इससे रिलेटेड जो एक भ्रांति है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। डोम में एक चीज़ सुनिए, आप अगर घंटी को किसी भी मंदिर में घंटी को बजाओगे तो क्या होता है? आवाज़ पूरी वातावरण में फैल जाती पहुंचती है। ठीक है, मतलब डोम का आकार ही कुछ ऐसा रहता है, अगर आप गर्भगृह में जैसे धीरे से भी बोलोगे तो साउंड इंसुलेशन होता है। साउंड इंसुलेशन मतलब ये डोम से अगर आवाज ऐसी, साउंड वेव्स ऐसी टकराती है, अगर आपने साउंड वेव का 11वीं 12वीं में प्रैक्टिकल करा होगा तो आपको पता होगा कि हमारी साउंड वेव्स कैसी, जैसे एसी और डीसी वाली जैसे ऐसे ट्रेवल करती है ना, ऐसे ट्रेवल करती है, और अगर ये टकराती है तो ये और ज़्यादा देरी तक ट्रेवल करती है, तो और ज़्यादा देरी तक हमको क्या मिलता है? इको मिलता है। इको मतलब एक बार चिल्लाया तो पलट के आवाज़ आती है ना कहीं से, कभी पहाड़ियों पे ऐसे चिल्लाया है तो रिटर्न होकर के दूसरी पहाड़ी से टकरा करके हमारी आवाज़ वापस हम तक आती है। तो डोम का एक मुझे लगता है डोम बनाने का यही एक सीधा ताल्लुक है कि इसमें हमारी जो पॉजिटिव वाइब्स जो रहती है हमको तुरंत तुरंत आती है। अगर हम किसी अच्छी चीज़ का, अगर अच्छे थॉट का स्मरण करते हैं या भगवान का नाम भी लेते हैं या जो भी एक पॉजिटिव थॉट, हम वहाँ जा करके नेगेटिव तो नहीं सोचते हैं, चाहे मांगा पंती करते हैं कि भगवान हमको ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ये वाली दे बिल्कुल दो, वो
ट्रेवल करती है, ज्यादा गूंजती है, तो इस कारण से ये डोम अधिकतर ऐसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, ऐसी जगह पर देखने को मिलते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये साउंड वेव से रिलेटेड है, ताकि हमारी रिपीटेशन ऑफ जो भी हमारे रिचुअल्स है, रिवाज है, जो भी हमारी आरती है, रिपीटेशंस होती है, इसलिए हमारे ये रिलीजियस जगह पर ज़्यादा पाया जाता है। असेंबली हॉल, असेंबली हॉल में ज़्यादा आपके क्या भाषण होते हैं, असेंबलीज होती है, ये सब चीज़ों का वहाँ पे रिपीटेशन होता होगा, साउंड वेव से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसलिए वहाँ पर भी हम डोम का निर्माण कर सकते हैं। बात हुई है हमारी जिम्नाशियम की, जिम्नाशियम में अलग अलग कमांड्स जो भी दी जाती है, अलग अलग कमांड्स रिपीटेशन हो, हमारा मतलब जो भी इंसान है उस पॉइंट पे कंसंट्रेट करे और अपना फीडबैक अच्छा दे, इस कारण से भी वहाँ पर होता है। मोनोमेंट स्ट्रक्चर जैसे कोर्ट में हमने देखा है ना, एक तो पहली चीज़ ये दिखने में काफ़ी बल्की दिखते हैं, मतलब बहुत ऐसा बड़ा स्पेस या बड़ा वॉल्यूम लिए रहते हैं, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, दिखने में हमारा अट्रैक्शन पूरा इनकी तरफ जाता है, मतलब आंखें पलट जाती है, जो भी कुछ सीन है थोड़े से अट्रैक्टिव तो रहते हैं डोम, जहाँ भी ये डोम बनते हैं। ठीक है, मोनूमेंटल स्ट्रक्चर जैसे सुप्रीम कोर्ट मेरे माइंड में था, मगर मेरे को कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो भी एक अपने आप में बड़ी चीज़ होती है, तो उसको डोम की आकृति दी है, मतलब धर्मनिरपेक्षता, हर हर चीज़ को डोम की आकृति दी है, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह का हमारा न्याय का मंदिर है। ठीक है, तो डोम यस मैम, हमारे अधिकतर वैसी ही जगह दिए जाते हैं। ठीक है, और फ्लैट रूफ तो अपने जैसी फ्लैट सपाट रूफ दी जाती है, अपने घरों में जैसे मैदान है अपने यहाँ, वैसे ही फ्लैट रूफ दी जाती है, हम जिन मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ इसका निर्माण किया जाता है। ये पूरी फ्लैट नहीं होती, कुछ ना कुछ हम इस पर स्लोप देते हैं, कुछ ना कुछ इसको टिल्ट बनाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे जब रेनफॉल हो तो वो खुद की ग्रेविटी से अपने मतलब कहाँ तक पूरा वाटर को डिस्चार्ज के लिए एग्जिट प्रोवाइड कर दे। ये पिच और स्लोपी रूफ तो हम कल से पढ़ रहे हैं कि क्यों इनको बनाते हैं, रेनफॉल वाले एरिया में बनाते हैं हम इनको अधिकतर, स्नोफॉल वाले एरिया में बनाते हैं इनको अधिकतर, ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर टेम्परेचर के आसार बहुत ज़्यादा गिरने के होते हैं। रूफ वाला टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यस मैम। नरेंद्र कहाँ चला गया? नरेंद्र कहाँ चला गया? पता नहीं मैडम। अब पढ़ते हैं अलग अलग प्रकार के हमारे रूफिंग मटेरियल, मतलब छत तो बना ली, मगर छत को ढकने के लिए कौन सा मटेरियल का आप उपयोग कर रहे हो, वो वाला मटेरियल डिस्कस करते हैं हम अलग अलग प्रकार के हमारे रूफिंग मटेरियल को। एक होता है थैच, थैच कवरिंग, शिंगल्स कवरिंग, क्या लिखा ही है, टाइल्स ही पढ़ लो इसको, टाइल्स वाली कवरिंग, एस्बेस्टस, पेटेंट टाइल्स। पेटेंट टाइल्स, हाँ पेटेंट टाइल्स, पेटेंट मतलब एक जो भी किसी का एक फिक्स पेटेंट हो जाता है कि भैया इस टाइल्स पे मेरा पेटेंट है, इस दवाई पे मेरा पेटेंट है, अगर मैं आपको डांट रही हूँ तो ये मेरा पेटेंट है, मैं डांटती रहती हूँ, इसका अधिकार मेरे को है, किसी भी चीज़ का पेटेंट होता है, ऐसे ही ये पेटेंट टाइल्स है। एस्बेस्टस, सीमेंट, कोरूगेटेड शीट, कोरूगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट, क्या हो रहा, आवाज़ आ रही है ना, शायद 10 मिनट में एंड हो हाँ जाएगी मैडम, आ मीटिंग, रही। वापस से रीजॉइन कर लेना। कोरूगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट और स्लेट, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हमारे मटेरियल्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपनी रूफ की कवरिंग करते हैं, छतों के ऊपर बिछाने वाले हमारे मटेरियल लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है थैच कवरिंग, इसको कितने लोगों ने देखा है, थैच कवरिंग कितने लोगों ने देखा है, थैच कवरिंग को, मैडम ये थैच कवरिंग क्या होती है? दिस इज द फॉर्म ऑफ कवरिंग इज एक्सट्रीमली यूज्ड इन द शेड्स, लो कॉस्ट हाउसेस एंड विलेज बिल्डिंग। क्या होती है ये कवरिंग जो होती है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है शेड्स में, या तो मतलब छाँव में तो उसी जगह पर और यूज़ कर सकते हैं, लो कॉस्ट हाउस में बहुत सस्ते घर हम बना रहे हैं तो उसमें यूज़ कर सकते हैं, विलेज की बिल्डिंग में
इसको यूज कर सकते हैं। इट इज कंसिडरेबली सुटेबल फॉर रूरल एरियाज, ये गांवों के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, बिकॉज इट फॉर्म्स द चिपेस्ट एंड द हाईएस्ट मटेरियल एज अ रूफ कवरिंग। सबसे सस्ता और सबसे आसान या जो भी कह लो रूफ कवरिंग होती है। नहीं समझे? थेच कवरिंग समझ वो गए। हाँ भूसे का जो कवरिंग हम बनाते हैं, झोपड़ी जो पैटेंट झोपड़ी बनती थी पहले के टाइम पे भूसे और लकड़ियों से, उसको बोलते हैं हम थेच कवरिंग। ठीक है। मोर ओवर इट इज सिंपल टू कंस्ट्रक्शन, ये सबसे आसान होते हैं बनाने में, एंड कीप द बिल्डिंग कूल, ये सबसे ठंडे भी रखते हैं हमारी बिल्डिंग को। थैच कवरिंग मेड अप ऑफ स्ट्रॉज एंड रीड इज यूज्ड। इसमें क्या हमारी जो लंबी लंबी भूसा या जो भी मटेरियल आता है उसको यूज करके हम बनाते हैं। मैं आपके ग्रुप में वो डाल देती हूँ इसके फोटोज, तो आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा समझने को। हाँ मैडम, थेच कवरिंग, दिख रहा है आपको? ग्रुप में ओपन कर लो। यस मैडम देख लिया। देख लिए? मगर ये ग्रास की रूफ होती है, यस मतलब मैडम अपने घास फूस का जो अपना छत बनता है इसको शेड के लिए बनाते हैं। वैसे इसको विलेज में यूज नहीं करते आजकल, तो इसको मतलब आर्किटेक्चरल पर्पस से भी यूज करते हैं। मतलब आजकल मैं देख रही हूँ उज्जैन में कैफे वैफे जो बन रहे हैं वो इसके बहुत ज्यादा बन रहे हैं, मतलब इस टाइप की कवरिंग के। क्यों? क्योंकि ये दिखने में सुंदरता का एक लुक देते हैं और बिल्कुल नेचुरल चीजों का अपने को फील कराते हैं। ठीक है। इस प्रकार की जो कवरिंग को बोलते हैं थैच कवरिंग। मैडम, इसमें पानी से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्या? जैसे पानी पड़ेगा तो फिर तो वो नहीं, कुछ बारिश ना हुई तो कुछ गीला हो जाएगा प्रोटेक्ट नीचे तो जो बैठा होता है। होगा, कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन तो इसमें होता ही होगा। मतलब मैं पर्सनली इसमें नहीं रुकी हूँ, मगर इसको देख सकते हैं हम। एक सेकेंड ना।
भी और बाकी सारी चीज भी। अब आते हैं शिंगल रूफिंग पे, मतलब शिंगल कवरिंग पे। द यूज ऑफ वुड शिंगल एज अ रूफिंग कवरिंग इज जनरली रिस्ट्रिक्टेड टू द हिल एरियाज वेयर वुड इज इजीली एंड चीपली अवेलेबल इन अबाउंडेंस। क्या बोल रहे हैं कि ये जो रूफ कवरिंग है ये जनरली हम कहाँ तक ही सीमित है, हमारे हिली एरियाज तक। ठीक है, क्यों सीमित है? क्योंकि वहां पर वुड इजीली अवेलेबल है और चीप कॉस्ट में भी है। आज अपन अपनी जगह पर से वुड लेने जाते हैं तो हमको वुड महंगा पड़ता है, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या जहाँ बहुत सारे हमारे वो हैं अपने जंगल है तो वहां पर हमारे क्या मिलते हैं, वुड इजीली हमको मिल जाता है। तो वुड शिंगल्स आर नथिंग बट द सॉन और स्प्लिट थिन पीसेस ऑफ वुड रिसेम्बलिंग। क्या होता है, जब लकड़ी को हम पतला काट करके छील करके छोटे छोटे पीस, मतलब जो कवेलू आपने देखे हैं, कवेलू आपने देखे यस हैं मैडम, ठीक है ना, कवेलू के है। आकार में उनको छील करके पतला स्लाइस के फॉर्म में इनको काटा जाता है, स्लेट और टाइल्स जैसा। कैसा? स्लेट और टाइल्स जैसा, पतली स्लेट। स्लेट देखी आपने, पट्टी, मैडम किस चीज को काटा जाता है? वुड को, वुड को अपनी अच्छा, लकड़ी। उसको लकड़ी को। स्लेट देखी, पट्टी, पट्टी, पट्टी जिस हाँ पे मैडम, बच्चे देखी लिखते हैं देखी। है ना। स्लेट और टाइल्स, मतलब टाइल्स भी अपनी पतली होती है और स्लेट भी पतली रहती है, मतलब वुड के शिंगल्स को कैसा पतला पतला स्प्लिट करके छील करके पीसेस में काटा जाता है। ठीक है, कवेलू के फॉर्मेशन में। ठीक है, टू फॉर्म कंटिन्यूस रूफिंग कवरिंग, कैसे कि ये एकदम लगातार हमको रूफ की कवरिंग मिल जाए। ठीक है, अब एक जैसी कवरिंग तो नहीं मिलेगी अपने को, जितनी बड़ी छत ढकना उतना बड़ा पेड़ का स्लाइस तो मिलेगा नहीं, तो हमको कुछ ना कुछ छोटे छोटे पीसेस में इसको काटना पड़ेगा। ठीक है, वुड शिंगल्स आर लेड इन द सिमिलर मैनर एज अ स्लेट और टाइल्स। जैसे हम स्लेट अपने कवेलो टाइप की जो छतें होती है उसको, या फिर जो टाइल्स की छतें होती है, टाइल्स के टुकड़े रहते हैं, अपने क्या करते हैं स्टोन की चिप्स को टाइल्स जैसे काटते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आती है उनको जमा देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमको किसको काटना पड़ता है और किसको बिछाना पड़ता है, हमारी एक बार ग्रुप पे मैसेज कर दो, वापस से ज्वाइन कर लेंगे सब। सक्षम, आवाज आ रही है? सक्षम, आ रही है। ग्रुप पे मैसेज कर दो, वापस से ज्वाइन कर लेंगे जो भी होंगे। तो क्या करते हैं, इस प्रकार की कवरिंग बनाने के लिए हम जैसे स्लेट या टाइल्स की जो आ, आ, वो रहती है कवेलू टाइप की आकृतियां रहती है या छोटे छोटे पीसेस रहते हैं, उस हिसाब से हमको इसको छील करके तैयार करना पड़ता है। शिंगल स्ट्रिप्स आर ड्रिवन ऑन द राफ्टर, ये किसमें हमको घुसानी पड़ती है, ड्रिवन करनी पड़ती है, हमारे राफ्टर में। एंड शिंगल्स आर लेड ऑन देयर टॉप, मतलब आदि हम उसको राफ्टर में ड्रिवन करेंगे, मतलब उसको स्क्रूड करेंगे। स्क्रू मतलब उसको किसी भी चीज से हम उसको उसमें फिक्स करेंगे। क्यों फिक्स करेंगे? क्योंकि भैया ये आप वुडन के पतले क्या वो काट रहे हो, किसी भी टाइप की कवरिंग को हमको अपने राफ्टर से अटैच करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तेज हवा आती है तो ये क्या होते हैं, निकल करके बहुत उड़ते हैं, कवेलू उड़ जाते हैं। इस कारण से हमको या तो उनके ऊपर वजन रखना पड़ता है या उसको एक के अंदर एक इंटरलॉकिंग में फंसाना पड़ता है, मतलब ऐसा बनाया जाए कि एक दूसरे में फंस करके वो पूरा एक शीट जैसा बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको राफ्टर में ड्रिवन करते हैं। एंड शिंगल्स आर नेल्ड ऑन देयर टॉप, और ऊपर की जो शिंगल्स रहते हैं उसको नेल्ड करते हैं, मतलब घुसाते हैं। जनरली एट द ईव्स टू कोर्सेस ऑफ शिंगल आर लेड डायरेक्टली वन ओवर द अनादर। क्या करते हैं, जैसे ये पहला हमने शिंगल बिछा दिया, फिर आधा शिंगल इसके ऊपर से ऐसा बिछाते हैं, ऐसे तरीके से इनको बिछाया जाता है, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब जो नीचे वाला शिंगल है वो नीचे, उसके ऊपर से आधा स्टार्ट हुआ, सॉरी मतलब
नीचे वाला सबसे पहले बिछाएंगे, फिर ऊपर वाला बिछाएंगे, फिर उसके ऊपर वाला बिछाएंगे। इस स्थिति में जब पानी आता है तो सबसे पहले इस पे पड़ेगा, फिर उतर करके इसके पड़ेगा, फिर उतर करके इस पे पड़ेगा। समझ में आया? अगर ऊपर सर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर बिछाया तो पानी इससे रेल करके अंदर एंटर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप हमने ऐसा दे रखा है, ढलान हमने ऐसी दे रखी है, तो ऑब्वियस सी तो बात है सबसे नीचे वाली लेयर हमको नीचे बिछानी पड़ेगी। उस हिसाब से स्लोप की तरफ मतलब ढलान की तरफ हम उठते चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमको इसको बिछाना पड़ता है। मतलब अगर सबसे पहला पानी अगर यहाँ पड़े तो बह करके ये इसके ऊपर आए, ये बह करके इसके ऊपर आए, बह करके नीचे हमारी अर्थ पे गिर जाए। मतलब पानी ऐसा अंदर नहीं घुसता है इसमें। ठीक है, एक के ऊपर एक बरसते हुए वो ग्रेविटी के साथ में, गुरुत्वाकर्षण के साथ में नीचे गिर जाता है। ठीक है, ऐसे ही बताया, श्रृंगल आर लेड डायरेक्टली वन ओवर द अनादर। ठीक है, मैं इसके श्रृंगल का भी आपको फोटो आपके ग्रुप में भेज रही हूँ। कवरिंग सैंड रिच ऑन योर शिंकल शुरू ठीक है, ये इसमें कलर्ड कर दिया। ऐसा मत सोचना कि ये वुडन है तो कैसे ऐसे ग्रे कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें कलरिंग हम कर सकते हैं। मैडम। इस टाइप की रूफ अपने इस एरिया में दे सकते हैं क्या? किस एरिया में? अपने प्लेन एरिया में? हाँ, मध्य प्रदेश और इन रीजन्स में। हाँ, आप दे तो सकते हो, मगर ये डिपेंड करता है यहाँ पे हवाएं कैसी चलती है। ये मतलब प्लेन रीजन में तेज हवाओं का फोर्स भी रहता है ना, हवाओं के ऊपर डिपेंड करता है। हम दे सकते हैं, बजाय कि हम ज़्यादा पूरे बड़े एरिया पे देने से बचते हैं इनको। फ्लैट एरिया में छोटे से आर्किटेक्चर व्यू में हमने छोटा सा एक टावर दे दिया, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हमने देखा जा चुका है कि हम ऐसे कवेलू टाइप का निर्माण करते हैं, कर सकते हैं, मगर अननेसेसरी आजकल कौन इतना करता है। आजकल अभी भी वैसे भी सर लेटेस्ट डिजाइन बनने लगी है। ठीक है, आते हैं अब अपन टाइल रूफिंग की ओर। ठीक है, पेटेंट जो टाइल रहती है अपनी, उसी हिसाब से ये टाइल्स कटती है। द यूज ऑफ टाइल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रूफ कवरिंग। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पहले चली आ रही हुई मेथड है। द टाइल आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड पैटर्न। ये इनके शेप के हिसाब से बनती है। ठीक है, टाइल मतलब वो वाले टाइल नहीं बोल रहे हैं ना, अपन कवेलू को भी टाइल्स जैसे ही वो बोलते हैं। पैटर्न टाइल मतलब पहले के टाइम के जो कवेलू, हम हिंदी में कवेलू बोलते हैं उनको। ठीक है, एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन द सिमिलर मैनर एज ब्रिक। कैसे? जैसे ब्रिक बनाई जाती है वैसे इन टाइल्स को बनाया जाता है। मतलब कवेलू बहुत हद तक ब्रिक से सिमिलर बनाए जाते हैं। मतलब जब उनका कंस्ट्रक्शन होता है तो वो उनको आकार जो दिया जाता है, फिर उनकी पकाई की जाती है, उस हिसाब से हम इन टाइल्स को बनाते हैं। ठीक है, ये वाले टाइल्स नहीं है, कवेलू को अपने टेक्निकल लैंग्वेज में वो टाइल्स से संबोधित करते हैं। ठीक है, द क्ले टाइल आर ऑफ वेरियस टाइप। अलग अलग टाइप की ये क्ले टाइल होती है, सच एज फ्लैट, पान टाइल, पॉट टाइल और हाफ राउंडेड कंट्री टाइल एंड पेटेंट टाइल सच एज मैंगलोर। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के कवेलू के नाम है अपने, तो हम इसको देख सकते हैं।